सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम डब्बा खोलने वाले हैं इन दोनों चीज के। तो यहाँ पे हमारा जो आपको इधर दिख रहा है ऑनर टेल लाइट, इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे। दूसरा जो चीज है यहाँ पे इसी फोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर जो कि अल्फाइन का है, ओरिजिनल ग्लास जो कि एक साल की वारंटी के साथ आता है, H2S तक का, जो कि लोकल वाला आता है। तो उसकी इसकी मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का जो एम रखते हैं 500 लाइक, तो उम्मीद करता हूँ आप कर दोगे। तो मैं हूं अफरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात कर लेते हैं इस चीज की, तो ये क्या है। तो यहाँ पे हमें मिलता है 3D वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर और इसे पूरे एक साल वारंटी के साथ आता है। और यह है 49 रियाल का, यानी करीब करीब आपका 1000 के आसपास पकड़ लेगा। तो ये ग्लास जो है इसमें वारंटी किस चीज की मिलती है आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी जो वारंटी मिलती है इसे टूटने की वारंटी नहीं मिलती है। और इसकी वारंटी जो मिलती है इसमें अगर एयर घुस जाता है, डस्ट वगैरह घुस जाता है और भी चीज जो स्क्रेचेस आ जाते हैं, तो इस चीज की वारंटी होता है। अगर ये टूट जाता है गिरने पे आपका फोन, तो इसकी वारंटी नहीं होती, क्योंकि मैंने पूछा जहां पे खरीदा जरीरपुर की स्टोर में, तो उन्होंने कुछ इसी तरह से बताया। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक साल की वारंटी है तो गिर के टूट जाएगा तो हमें दूसरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इस चीज के बारे में और ये कितना वारंटी मिलता है और सारी चीजें बता दी। तो दोस्तों अब बारी आती है हमें इस फोन की अनबॉक्सिंग करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने जो है आपको ऑनर 10 लाइट लिखा है, सामने से इधर भी ऑनर 10 लाइट और मतलब इधर ऑनर लिखा हुआ। और इधर जो बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाइनी रेड है, 64 GB और 3 GB रैम वेरियंट वाला फोन है। तो यहाँ पे चलते हैं फटाफट से इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेते हैं। दरअसल ये चाकू मैं इसे आलू छिलने और आलू काटने में काम लाता हूँ, तो कुछ इस तरह का चाकू है मेरे पास, यही था तो मैं सोचा इसे खोल लूं। तो ये हमारे हमने सील कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम फोन को बाहर निकालेंगे। तो ये डब्बा है और डब्बे के अंदर फोन है, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ गिर रहा है वो, तो यहाँ पे सीरियल है जो कि आपका EMI होता है और यहाँ पे फोन का जो बारकोड है वो भी है। तो ये फोन है, इसे मैं साइड में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे बात करें डब्बे में क्या मिलता है, तो डब्बे में एक और डब्बा है और डब्बे के अंदर कुछ इस तरह से मिलता है आपको। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का केस कवर मिलता है कुछ इस तरह का, जो कि मुझे अच्छा लगता है जब फोन ऑनर का जो आपको साथ में केस मिल जाता है जो कि बाहर से मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है, यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो और डब्बे में फिर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो USB वाला केबल, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टाइप सी का जमाना है और यहाँ पे ऑनर ने दिया है यार ये पुराना सा घिसा पिटा आपको माइक्रो USB वाला। यहाँ पे ऑनर का जो आप चार्जर मिलता है हवाई का, तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर है और ये 10 वाट का चार्जर है, तो आई थिंक फास्ट चार्ज करेगा। और यहाँ पे एक चीज और हमें देखने को मिलता है ऑनर के फोन में, तो यहाँ पे आपको हेडफोन मिल जाता है और सारे फोन में आई थिंक 3.5 mm जैक भी रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको साथ में मिल जाता है हेडफोन, जो कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि MI के फोन में आपको नहीं मिलता, मुझे बहुत ही बेकार लगता है। साल 200-300 रुपए के लिए उसमें से निकाल देते हैं, तो बेकार लगता है, बाहर से लेना पड़ता है, फायदा क्या है। तो आप बात करते हैं अपने मेन हाईलाइट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनर का कुछ साइड सामने से इस तरह और पीछे से आप यहाँ पे शाइनी रेड, जो कि मुझे ना इसका बैग जो किलर फोन है और प्रीमियम सा लगता है यार ऑनर का फोन, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम बूट कर लेते हैं फोन को, तो ये हमारा फोन बूट हो रहा है। तब तक हम आपको कुछ बताते, मुझे ना ये फोन यार कसम से मैं बता रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त लगा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है, मतलब 160 ग्राम के आसपास होगा और जो मैंने ऑनर पे लिया हूं तो ये 176 है, तो थोड़ा वजन है, लेकिन ये वाला यार किलर फोन है यार, हाथ में लेते ही एकदम प्रीमियम सा लगता है। और यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, देखो वाटर ड्रॉप नॉच,
मुझे वन प्लस में एक चीज की बहुत कमी लगी, क्योंकि उसका नोच ना थोड़ा बड़ा है, और जब मैं वीडियो देखता हूँ ना तो मुझे एक चीज दिल में यही चुभता है कि यार शायद इसमें नोच छोटा होता है, या नोच होता ही नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादातर ये लगता है वन प्लस में नोच नहीं होता, बहुत छोटा होता है, इस तरह से वाटर ड्रॉप वाला नोच तो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है नीचे स्पीकर, माइक्रो यूएसबी 3.5 mm जैक, और इधर सामने मिलता है आपको सिम कार्ड स्लॉट, यार साइड में नहीं है इसमें ऊपर है क्या बात है यार ऑनर ने यहाँ पे। और आपको बात करें कि फोन में स्पीकर क्या, अगर आप बात करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर ड्रॉप नॉच है, तो आपको स्पीकर किधर मिलता है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे जो आपको यहाँ पे एज मिलता है यहाँ पे टॉप पे, तो शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, यहाँ पे एकदम दिया गया साइड में जो आपके कॉर्नर होता है उधर उधर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार इस तरह से बात करने में फोन। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है नीचे, पावर बटन, ज्यादा कुछ है नहीं, पीछे फिंगरप्रिंट है, और जो कैमरा पीछे दिया है ये कैमरा जो कि एक दूसरे से लगा हुआ नहीं है, ये भी बहुत ही जबरदस्त है कसम से, ओनर ने तो कमाल ही कर दिया यार, क्योंकि ओनर 10 जबरदस्त। तो हमने पूरी सेटअप कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे फोन ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं थोड़ा नजदीक में आके, तो यहाँ पे सेटिंग में जाके हम अगर आपको दिखाएं तो कुछ सिस्टम में गए और यहाँ पे आप अबाउट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे पहले से ही अपडेट मिलता है एंड्रॉयड 9 और EMU 9, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शायद अभी दिख रहा है आपको, तो ये मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। तो यहाँ पे पहले से ही आपको अपडेट होके ये फोन मिलता है, तो यार कमाल ही कर दिया इस समय ओनर ने। और मेरे फोन में जो ओनर था उसमें ऑनर प्ले तो उसमें अपडेट नहीं था, बाद में अपडेट होने के बाद हमको Android P मिला, Android Pie का अपडेट, और यहाँ पे तो पहले से ही अपडेटेड है, तो यार बहुत ही अच्छा है, और ये मतलब जबरदस्त है, अच्छा फोन है, और मैं मिस कर रहा हूँ यार, शायद मैं इसी फोन को ले लिया होता, क्योंकि अगर ये 4 GB में होता ना तो मैं शायद यही फोन लिया होता, 4 GB RAM के साथ आता, तो चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा ही नहीं होता, आप फिर से दूसरा फोन ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये फोन यार मुझे जबरदस्त लगा। अगर आप खरीदना चाहते हो ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अमेजोन से खरीद सकते हो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी फोन है यार। यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर ड्रॉप नॉच वाला, यार मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यही लगा कि इसमें वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, और सारी चीजें अच्छी हैं, आपको कैमरे की सैंपल भी दिखा दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, और इसके जो लेटेस्ट फीचर वगैरह है मैं आपको इसका रिव्यू दे दूंगा अगले वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना, और बस यही था यार, मुझे तो दिल खुश कर दिया ओनर ने और इस फोन में यार जबरदस्त। तो ये थी अनबॉक्सिंग और मैंने कुछ आपको जानकारी भी दे दी इस फोन के बारे में, तो अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, आप वहां से खरीद सकते हो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिया, अपने सवाल को कमेंट करिए कि क्या आपको ऑनर ट्रेन लाइट पसंद है फोन, या इसमें कुछ मिसिंग है तो उसे कमेंट में बताना, और यार आप हमारे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, गुड बाय।